देश में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून आईपीसी सीआरपीसी एविडेंट एक्ट की ली जगह। दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज हुआ पहला केस। सदन की कार्यवाही से पहले राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर पोस्ट, लिखा विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद रही है, ये आपकी आवाज है, मैं आपका हूं और आपके लिए ही हूं। आज से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाएगी यूपी सरकार, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक महोत्सव का होगा आयोजन, लोगों को पेड़ लगाने के लिए किया जाएगा जागरूक। पेपर लीक के आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड के लिए आज कोर्ट में अपील कर सकती है सीबीआई, 8 आरोपियों को दिल्ली ले जाकर होगी पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ हल्ला बोल। लुधियाना में किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ खत्म, टोल टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे किसान। रियासी में सामाजिक संगठनों ने बुलाया बंद, मंदिर में तोड़फोड़ के बाद लोगों में गुस्सा। मथुरा में गंगा जल परियोजना की टंकी गिरी, हादसे में अब तक युवती समेत 2 लोगों की मौत, 15 लोग घायल, सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान, वहीं एफआईआर दर्ज, डीएम करेंगे मामले की जांच। बागेश्वर में भारी बारिश के बाद सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के आसपास रहने वालों के लिए अलर्ट जारी है। मुंबई में मॉनसून के बीच मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची लहरें को देखने के लिए लोगों की लगी भीड़। राजस्थान के भीलवाड़ा में एम्बुलेंस में लगी आग, लोगों की सूझबूझ से मरीज और परिजनों को एम्बुलेंस से निकाला गया बाहर, आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश की झांसी में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एमपी के पन्ना में अवैध देसी घी के खिलाफ कार्रवाई, फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी, करीब 835 लीटर नकली घी जब्त, 6 लाख से ज्यादा की बताई गई कीमत। बिहार के सहरसा में नशीली दवाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने भारी मात्रा में एक ओरेक्स दवा की बरामद, मौके से 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। भारतीय क्रिकेट फैंस को करना पड़ सकता है इंतजार, अभी भारत नहीं लौटेगी भारतीय क्रिकेट टीम, बारबाडोज में तूफान के कारण देरी। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीट्स का जत्था रवाना, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एथलीटों की औपचारिक विदाई की, पीटी ऊषा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।